भारत के उत्तर पूर्व दिशा में बिहार स्थित है। यहाँ पे गौतम बुद्ध आए और अपना ज्ञान अर्जन किया। बिहार शरीफ क्लस्टर में 6000 ऐसे लोग होंगे जो समुदाय निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। पिछले कुछ साल में लगभग 1000 से ज़्यादा किशोर हैं जो किशोर कार्यक्रम से गुजर चुके हैं। हमारे किशोर समूह का नाम सत्यवादिता है। आज हम सब पर्यावरण के शुद्धता के लिए वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। लगभग 900 के आसपास में ऐसे बच्चे हैं जो बच्चों के कार्यक्रम से गुजर चुके हैं और लगभग 500 ऐसे वयस्क हैं जो संस्थान प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। 60 प्रार्थनाएं सभा को संचालित किया जा रहा है। तभी आते हैं और उत्साह के साथ भाग लेते हैं और उनसे प्रेरणा पाते हैं। इन सब गतिविधियों की वजह से व्यक्ति की समुदाय और संस्थाओं में गहरा बदलाव आ रहे हैं। इस किशोर महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। हमें आप सभी का स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हुई। किशोर के लिए किशोर महोत्सव, बच्चों के लिए बाल महोत्सव, इन महोत्सव से समुदाय में काफी उत्साह पैदा होते हैं और जागरूकता भी पैदा होती है। किशोर मेला गांव के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे हम लोग कुछ सीखेंगे। सभी अपना किशोर अपना अनुभव बताते हैं कि हम क्या सीखे हैं पुस्तक में। हमारे माता पिता देखकर खुशी हुए। ऐसी गतिविधि चलती रहे तो हमारा गांव में एकता और प्रेम बढ़ जाएगी। जब समीक्षा बैठक होता है वहाँ के महिलाएं, बच्चे, किशोर, युवा, वयस्क सभी वहाँ पे आते हैं और महोत्सव के रूप में मनाते हैं। परामर्श, निर्णय और समीक्षा की जो जगह है वो केवल समीक्षा बैठक ही नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी बहुत ऐसे परिवेश हैं जहाँ पे लोग आते हैं, समीक्षा करते हैं, परामर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं। जैसे बच्चों के लिए बच्चों के शिक्षकों के लिए बैठक, अनुप्रेरक के लिए बैठक, सह शिक्षक के लिए बैठक और अध्ययन वृत्त कक्षा के प्रतिभागी, और इन बैठकों के कारण सीखने की प्रक्रिया में काफी विकास हुई है। बिहार शरीफ क्लस्टर किशोर कार्यक्रम का लर्निंग साइट भी है। यहाँ पर हर 3 से 6 महीनों में ट्रेनिंग सेमिनार और समीक्षा सेमिनार का आयोजन किया जाता है जिसमें कुछ 10 अन्य क्लस्टरों के जूनियर कोऑर्डिनेटर भाग लेते हैं, अपना अनुभव बांटते हैं और क्लस्टर में चल रही गतिविधियों का भ्रमण करते हैं और अर्जित सीख के आधार पर अपने क्लस्टरों के विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं। हमने एक स्थानीय आध्यात्मिक सभा के संस्थाओं में देखा है कि उन्होंने केवल उन मित्रों के बारे में चिंतित नहीं हैं जो गतिविधियों में भाग लेते हैं बल्कि वो पूरे गांव के मित्रों के कल्याण के प्रति चिंतित हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप वो ये सोचना प्रारंभ किए हैं
कि कैसे हमारे गांव में सभी को आध्यात्मिक शिक्षा मिले। हमारा आध्यात्मिक सभा हरगामा और वहाँ के जो है कोऑर्डिनेटर सब मिलके जो है गांव पूरे गांव का जो है सर्वे किया। हम लोग डोर टू डोर गए इस हरगामा गांव के पूरे गली मोहल्ले को, प्रत्येक वार्ड को हमने जो है सर्वे किया, देखें कि हमारे पास कितने युवा युवतियाँ और वयस्क बच्चे हैं। और सर्वे के हिसाब से जो है बच्चा और किशोर और यूथ और उसके लिए जो है क्लास का आयोजन किया। गांव का जो है 2000 जनसंख्या है, जिसमें 1600 जो है किसी न किसी रूप से जो है हमारे मूल गतिविधि में शामिल होते हैं और आते हैं। स्थानीय आध्यात्मिक सभा वह अपने गांव के सभी मित्रों के स्वास्थ्य के प्रति भी काफ़ी चिंतित हैं और उन पे उन्होंने चर्चा करना भी प्रारंभ किया है। आध्यात्मिक सभा और जो है वहाँ के जो है स्वास्थ्य के प्रति जो है बुजुर्ग आदमी का जो है यहाँ पे कैंप किए थे, आई कैंप, उसमें हम लोग मिल के गाँव के लोग मिल के 10-12 गाँव में जो है न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था कि डॉक्टर आएंगे, तो उसमें जो है 400 लोग आए थे, उनका सफल इलाज हुआ था। क्लस्टर स्तर की जो संस्थाएं हैं वो गतिविधियों का जो चक्र है, लोगों का दैनिक जीवन का जो स्वाभाविक रूपरेखा है, तो बात तालमेल बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हर लोग ज़्यादातर कृषि से ही जुड़े हुए हैं कि कहीं जैसे अभी कटाई का समय है, ज़बरदस्त जो है किसानों का इन्वॉल्वमेंट होता है खेत के। इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो अभियान होता है हमारा इस समय हम लोग नहीं रख पाते हैं, तो हम लोग जब गतिविधि का प्लानिंग करते हैं तो उस समय युवाओं का एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर का और ये सब देखते हुए हम लोग करते हैं। यहाँ पर कई गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाया जाता है और उस पंचायत का जो मुख्य होते हैं वो पंचायत प्रधान होते हैं। वैसे ही एक प्रधान ने सभी पंचायत वासियों को ये प्रोत्साहित करते हैं कि आप सभी अपने युवा, किशोर और बच्चे को इन गतिविधियों में शामिल कीजिए। मेरे पंचायत में अभी 8 गांव है और 28,000 की आबादी है, तो उसके विकास के लिए मैंने बार बार सोचते रहते हैं कि इसलिए जितने भी बच्चे किशोर हैं उन्हें प्रेरित करते हैं, जो मैंने अभी बाहर की तरफ से जो गतिविधि चल रही है इसमें जुड़े रहना चाहिए। मेरे घर में 2 बच्चे हैं और दोनों बंद लगे सीख तक पहुँच गए हैं और अच्छा चला रही है और हम खुश हैं। बच्चे बच्चियाँ हो उसका विकास होगा तो बिल्कुल गाँव का विकास होगा और हमारा विकास होगा। संस्कृति के स्तर पर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से सदियों से चली आ रही पूर्वाग्रहों से लोग धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। हमारे भारत देश में जाति प्रथा की जो भेदभाव है बहुत गहन रूप से जकड़ रखा है, यह एक सामाजिक बनावटी व्यवस्था है। उच्च जाति और निम्न जाति के लोग आपस में न घुल मिल पाते हैं, न बैठ पाते हैं, न बातें कर पाते हैं, न साथ में खाना खा पाते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे दादा दादी कहते थे कि एक दूसरे जाति का घर नहीं जाना है और उनके यहाँ जाकर खाना उना नहीं खाना है, बातचीत नहीं करना है, तो लगा ये ठीक है। तो फिर रूहीबन और हाउला के पवित्र लेखों को अध्ययन किया और अपने दादा दादी को बताएं कि वो भी एक भाईचारा के रूप में हैं, तो उनके घर जाने लगे, खाना पीना खाने लगे, बातचीत करने लगे और एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। जिस रूही बन पढ़ने से मेरा अच्छा बहुत दिमाग खुला, उसे सीख मिलता है कि जाति प्रथा नहीं हो सकता है। हम आज अभी देखते हैं तो बहुत खुशी आनंद लगता है
पहले जैसा दुख किसी को भुगतना नहीं पड़ता है। पहले लोग बोलते थे कि मैंने अलग अलग जात घर में नहीं आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, दूर भाव करना चाहिए। जब स्टडी सर्कल के साथ हम लोग जुटे तो हम लोग के भेदभाव के नाम मिट जाने के लगा और स्वागत करने के लिए हम लोग आमंत्रित रहते हैं। अपने बच्चे को प्रवेश करते हुए हम निर्णय लिए कि हमने नहीं बताएं कि किस जाति का है, ताकि उसको मन में विचार नहीं आएगा कि ऊंचा है या नीचा, और ना ही सामने वाले को ऊंची या नीची नज़र से देख पाए। सभी को समान नज़र से देख पाए। हमारे संस्कृति में वयस्क और युवाओं के बीच काफ़ी दूरियां थीं। पहले देखिए, जो बुजुर्ग लोग अक्सर हमने कुछ बोल देते थे तो युवाओं लोग को मान लेवे पड़ता था, लेकिन संस्थान प्रक्रिया आने से काफ़ी बदलाव हुआ। अब हम लोग के अवसर मिल रहा है कि एक साथ बैठ करके युवा और बुजुर्ग लोग दोनों मिलके परामर्श करते हैं और फिर परामर्श करके ही निर्णय लेते हैं। बुजुर्ग लोग जो कर लेते थे, निर्णय ले लेते थे, वो हो जाता था, लेकिन आज जो है जब से ये संस्था आया है तब से दोनों में तालमेल बढ़िया रहता है, बुजुर्ग में और ग्रुपों में, और पहले जो था नहीं है, बदलाव बढ़िया हुआ है और बहुत अच्छा लगता है कि महिलाओं को कभी भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है, उनकी क्षमताओं को हमेशा कम करके आंका जाता है। साथ ही लड़कियों को बहुत ही कम उम्र में उनकी शादियां कर दिया जाता है, वहाँ पे लड़कियों की कोई इच्छा नहीं चलता, वहाँ पे कोई निर्णय लड़कियों से नहीं लिया जाता है, कोई परामर्श उनके साथ नहीं किया जाता है। हमारे पापा जी जो थे जो कम ही एज में शादी कर दिए थे, तो इस तरह से हमें पहले कुछ नहीं महसूस होता था कि शादी क्या है, और जब फिर हम यहाँ आए तो देखें कि घर से बाहर नहीं निकलना है हमको, मतलब घर के अंदर ही रहना पड़ता था। तो कोई आए थे तो बोले कि इस तरह का बुक है, आप करना चाहते हैं। मेरी सास किसी तरह से तैयार हुई, अपना हस्बैंड से भी पूछे, तो इस तरह से मैं बुक की पूरे। जब से हम इस संस्थान में जुड़ी हूँ हम देखते हैं कि बहुत बदलाव आ रहा है, बंधन भी टूट गया है। यहाँ पर संस्कृति में कि लड़कियों को घर से निकलने के लिए नहीं दिया जाता है, हम सिर्फ स्कूल से घर, घर से स्कूल जाते थे, लेकिन जैसे कि हम संस्थान प्रक्रिया में आए हमें बाहर जाने का मौका मिला। पहले शुरू शुरू में हमको डर लगता था कि कैसे हमें अकेले बाहर जाना, इतना डर लगता था, किसी से बात भी नहीं कर पाते थे, फिर भी गए हैं। अब हम जूनियर यूथ कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवा दे रहे हैं। हम अपने गांव में भी एक ग्रुप विजिट करते हैं और अलग अलग गांव में भी हम जाते हैं, वहां पर भी एक ग्रुप विजिट करते हैं और हम एनिमेटर के साथ बात करते हैं ग्रुप के बारे में भी, और एक दूसरे के साथ मित्रता बन गया है। यहाँ पर संस्कृति में गार्जियन तय करते हैं कि कौन किससे हम बेटी का शादी हो, और लड़की का कोई मर्जी नहीं लिया जाता है। गांव में हम देखते हैं कि लड़कियों को शादी 12-13 साल में हो जाता है। हमको शादी हुआ था तो हम 12 साल के थे, हम पति के कभी देखे थे नहीं, हम अपना बेटी के कम उम्र में नहीं करने के लिए सोते थे। हमको रिभा बेटी अपना पसंद करने के बाद माता पिता से राय ले ली, उसको बाद शादी की है। मगर हमारी शादी 25 साल में हुई अभी कुछ दिन पहले ही, और हमने अपने सिर्फ पसंद किए, अपने गार्जियन को बताए और उन लोगों ने हामी भरी। हमारे समाज में लड़कियों को पैदा होने पर जो माँ बाप होते हैं दुखी होते हैं, और फिर उसको लिए दहेज इकट्ठा करना, उनके पास बहुत कर्ज चढ़ जाता। अब दिनों दिनों बहुत काफ़ी तिलक हुआ जा रहा है,
माता पिता से खेत बाड़ी बेच के भाई कुछ करके काफ़ी दहेज दिया जाता है लड़का के। रीवा के शादी में कुछ नहीं मांग हुआ है। रीवा के साधारण रूप में शादी हुआ, हम बहुत माता पिता खुश हैं। शादी साधारण तरीके से हुई और हम अपने शादी के दिन ये समीज सलवार पहनी थी। जब शिक्षा की बात आती है तो महिलाओं को अक्सर ये कहा जाता है कि ज़्यादा पढ़कर महिलाएं क्या करेगी, उन्हें ज़्यादा पढ़ने की क्या आवश्यकता है, महिलाओं को हमें आगे आने का अवसर नहीं दिया जाता है और हमेशा से महिलाओं को नकारा गया है। गांव में बहुत लोग मेरी मम्मी पापा को बोलते भी थे, बेटी लोग को इतना पढ़ा के क्या कीजिएगा, बस ये तो पापा कभी उन लोग के बात पे उतना ही गौर नहीं किए, हमेशा नहीं पर जितना चाहती है ये पढ़ने के लिए उतना पढ़ेगी। तो लगा कि नहीं, हम शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम इस तरह से गुरु के साथ अपने गाँव को देखें कि कैसे हम गाँव को विकसित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमको बहुत लोग से मिले, एक जगह हम लोग बैठक भी किए बहुत लोग अभिभावकों से मिलके, सब परामर्श करके किस मतलब समुदाय विद्यालय का स्थापित किए। हमारे यहाँ समुदाय स्कूल 4-5 साल से चल रहे हैं, उसमें 100 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, छोटे पति नर्सरी से 5 तक के बच्चे हैं। लड़कियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है शिक्षा को लेकर और उनके माता पिता काफ़ी जागरूक हो गए हैं कि हमारी लड़कियां भी अपना पढ़ाई पूरा कर सके। बहौला के प्रकटीकरण के जैसे जैसे संपर्क में लोग आना प्रारंभ हुए और जब से संस्थान प्रक्रिया हमारे समुदाय में आया, वैसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे लोग एक साथ बैठते हैं, परामर्श करते हैं और कार्य करते हैं। ऐसे स्थान पे कोई भी पूर्वाग्रह की कोई स्थान नहीं है, चाहे वो जाति प्रथा की भेदभाव को लेकर हो या फिर स्त्री पुरुष की असमानता को लेकर हो या फिर वयस्क और युवाओं के बीच दूरियाँ को लेकर हो। यहाँ पे सभी लोग समान हैं, एक साथ बैठते हैं, सभी अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और सभी एक दूसरों को सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति उत्पन्न हुआ है, जो है लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं, ऊंच नीच का जो है भेद कम हुआ है, फिर जो है महिलाओं को सम्मान पहले से ज़्यादा मिलता है, अब लड़कियों का जो है कम उम्र में शादी होना कम हो गया है, तो इस तरह से जो है एक नई संस्कृति का जो है चलन हुआ है। पहले से भारत में एक महाद्वीपीय उपासना मंदिर है और अब बिहार शरीफ क्लस्टर में स्थानीय उपासना मंदिर की स्थापना होना है। यहाँ के लोगों के अंदर काफी उत्साह है और लोग अपने आप को आशीर्वादित महसूस कर रहे हैं। उपासना मंदिरों के संदर्भ में अब्दुल वहा की इच्छा थी कि ये जो मानव जाति के लिए एक मिलन स्थल बन सके और जिसकी पावनता के खुले प्रांगण से मानव जाति की एकता की घोषणा का संचार होगा।